हेलो चेंज व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम आयंस। जब आयन से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो एनर्जी चेंज होती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हो आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट क्रिएट इनटू आयन। तो आयन से आयनिक कंपाउंड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और आयनिक कंपाउंड आयन में डिसोसिएट होगा तो एनर्जी गेन करेगा, और दोनों इक्वल होती है। हमने कल आपको बताया था ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना ही बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसको बोलते हैं हम लैटिस एंथैल्पी। अब इस लैटिस एंथैल्पी यानी Na प्लस Cl2, इससे NaCl जब बनता है तो कितनी एनर्जी का चेंज होता है, उस सारी चेंज ऑफ एनर्जी को हम एक साइकिल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रॉन हैबर साइकिल। सबसे पहले किसने इसको ये नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? हेलो, ऑल ऑफ यू नोट इट, नोट कर लिया बेटा? अच्छा ठीक है। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉन हैबर साइकिल, ठीक है। ब्रॉन हैबर ये दो साइंटिस्ट थे,
इन्होंने सारे के सारे यानी NaCl के फॉर्मेशन में कितनी तरह की एनर्जी चेंज हुई, एटम से आयन से बना आयनाइजेशन एनर्जी, सॉलिड से गैस में आया गैसेस एनर्जी, ठीक है ना, इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन लॉस किया आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी, तो इन सारी एनर्जी को एक साइकिल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके एग्जाम्पल दे गया दिया किसने, बोर्न ने और हैबर ने, इसको हम कहते हैं बोर्न हैबर साइकिल, और इसके लिए एग्जाम्पल किसका दिया, NaCl का, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर या तो बनाओ या इनको डिसोसिएट करो, इतनी ही बात होती है, तो यहाँ पर क्या बना Na प्लस जी यानी गैसियस फॉर्म में, Cl नेगेटिव यानी गैसियस फॉर्म में, तो जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो कितनी एनर्जी इसमें यहाँ पर, यानी इसको हम डेल्टा लैटिस, डेल्टा लैटिस स्टेरिक असाइनमेंट में आपको बताया था कब लगाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, तो कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ती है ब्रेक करने के लिए, 788 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इस ये एनर्जी कैसे आई इसको हम अब डिटेल में करेंगे, पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए फिर हम पेज टर्न करते हैं। ओके बेटा, हेलो, नोट कर लिया? यस सर, हो गया। यस सर, अब लिख रहे हैं यहाँ पर सब Na सॉलिड में प्लस Cl2 ये किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, अच्छा हाफ मॉलिक्यूल ले लेते हैं क्योंकि फिर NaCl बन जाएगा, ये किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, तो जब Na इसमें रिएक्ट करेगा तो पहले हम क्या करें, इस सॉलिड फॉर्म को किसमें करें, लिक्विड फॉर्म में ले क्या यानी गैसेस फॉर्म में ले क्या, तो जब हम Na को गैस फॉर्म में लाएंगे तो हमें पता है सॉलिड से गैस में जाने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, सब्लिमेशन चाहिए ना, ट्रांस चाहिए, सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर जो एनर्जी हम आप यहाँ पर हीट देंगे वो क्या कहलाएगी, डेल्टा सब्लिमेशन सब एच, कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ती, 108.4 किलो जूल पर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर क्या चेंज हुआ कि सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में था किस फॉर्म में आ गया, गैस फॉर्म में, अब इसके बाद अब इस सोडियम से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा यानी आयनिक फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगी, कौन सी एंथैल्पी आएगी, आयनाइजेशन, हमने क्या किया इस सोडियम एटम को आयनाइज कर दिया, तो इसमें कितनी एनर्जी यूज होगी, प्लस 495.6 किलो जूल, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये लोग ये सोडियम किस फॉर्म में, आयन के फॉर्म में आ गया, तो हमें सीएल को भी आयन के फॉर्म में लाना है, तो पहले सीएल तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म है, जिसको हम क्या करें एटॉमिक फॉर्म में लेके आए, यानी डेल्टा एटोमाइजेशन वाला आ जाएगा या बॉन्ड टूटेगा, बी ओ एन डी कर दे बॉन्ड पर स्टिक का साइन, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसमें कितनी हमें एनर्जी इस पे देनी पड़ी, 121 किलो जूल पर मोल। अब ये दोनों किस फॉर्म में आ गए, ये तो Na के फॉर्म में प्लस हो गया, ये अभी भी किस फॉर्म में, आयन फॉर्म में, लेकिन ये किस फॉर्म में गया, ये आया मॉलिक्यूल से एटॉमिक फॉर्म में, एटम बन गया, ठीक है। लेकिन अभी इसको हमें किसने करना है,
किस पे करना है इसको में? इसको हम करेंगे अब आयन फॉर्म में, ठीक है। तो आयन फॉर्म में करने के लिए तो क्या करेंगे, डेल्टा ईजी एच स्फेरिक, ठीक है। अब देखो तो यानी ये ऑलरेडी था आयनिक फॉर्म में, इसको हमने आयन फॉर्म चेंज कर दिया। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसमें कौन सी एनर्जी होगी, एफिनिटी होगी, यहाँ पर ये रिलीज करेगा। सीएल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इसने गेन कर लिया, और सोडियम ने यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज कौन सी, 3 4 8.6 किलो जूल, नेगेटिव। अब दोनों 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 के दोनों किसमें फॉर्म में आ गए, आयनिक फॉर्म में आ गए, सोडियम भी आयन से बन गया और सीएल भी आयन के फॉर्म में आ गया। अब ये दोनों आयन आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना रहे हैं, एक NaCl का लैटिस बना लेंगे, NaCl सॉलिड फॉर्म में। तो नाउ अब हमको वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी की ये जो है इसमें कन्वर्ट हो गया तो कितनी एनर्जी इसको गेन करेगी, इसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या आ गई, लैटिस एनर्जी, ठीक आगे समझ में। तो अब इस साइकिल को कहते हैं ब्रॉन हैमर साइकिल। तो सबसे पहले क्या है, सोडियम और क्लोरीन, और हमें पता है सोडियम हमेशा सीएल फॉर्म में रहता है और क्लोरीन गैस फॉर्म में रहती है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में। तो पहले हमने सोडियम के सॉलिड को किसमें बदला, गैस फॉर्म में। तो यहाँ पर आगे सब्लिमेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी हमने इसको दी। फिर गैस फॉर्म से हमने इसको आयनिक फॉर्म में किया, तो इतनी एनर्जी दी। अब यहाँ पर सीएल को मॉलिक्यूल से एटम फॉर्म में किया, तो ये एनर्जी दी। अब सीएल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो सोडियम देगा, वहां से एनर्जी रिलीज भी, ठीक है, ये इतनी एनर्जी। अब यहाँ दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो जो एनर्जी अब रिलीज होगी उसको बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl, ठीक है। अब तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखते कि ये दोनों अगर कंबाइन करें तो डायरेक्ट एनर्जी कितनी रिलीज होती है, -4 1 1 2। ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए, ये लैटिस एनर्जी के लिए। तो ब्रॉन हेवन ने क्या कहा कि अब सारी एनर्जी को ऐड कर देते हैं, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो डेल्टा, ये बेटा नोट कर लिया हमने, हेलो हेलो अनिकेत, अविरल, यस सर, वर्तिका नोट कर रहा है, तो नोट कर लो फिर पे। तो यहाँ पर ये पूरा नोट कर लो, नीचे आपको NaCl सॉलिड लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, NaCl सॉलिड नीचे, इसको नोट कर लो। बेटा हो गया कंप्लीटेड? यस सर, हो गया। तो नीचे बेटा आपने सीएल एनएसीएल लिख लिया था। अब देखो फिर इसको सारी एनर्जी को उन्होंने ऐड किया, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, डेल्टा
डेल्टा एच लैटिस यहां पर लिखना है सर, ऐसे लो डेल्टा लैटिस, लैटिस यानी जो जाल बनाने में एनर्जी लगेगी एच, ये हो गया इक्वल टू कौन कौन सी 4112 प्लस 108.4 प्लस 121 प्लस ठीक है 121 हो गया, हाँ एक ये रह गया प्लस 49.6 और फिर ये माइनस की यहां से एनर्जी क्या हो रही है लॉस हो रही है तो 348.6 ठीक है। अब इन सब को जब ऐड किया तो कितना आ गया प्लस का 786 किलो इतनी एंथैल्पी। अगर हमें ब्रेक करके ये बनाना है इतनी एंथैल्पी इसको देनी पड़ेगी। नोट कर लो बेटा इसको, होगी बेटा ठीक है। ठीक है हेलो एनीवन गिव मी आंसर। यस सर हो गया। इसके बाद देखो स्पॉन्टेनिटी बढ़ा देते हैं। स्पॉन्टेनिटी और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस ठीक है एंड मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्सेस या फैक्टर, एजेंसी भी लिख लो या फिर फैक्टर लिख ठीक है। स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या होता है कि कई सारी चीजें होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑटोमेटिक होती है, जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर, हमें वाटर को फ्लो करने की जरूरत नहीं पड़ती, वाटर ऑलवेज हायर टू लोअर जाता है ठीक है ना, के यानी एक्सोथर्मिक है तो उसमें एनर्जी ही ऑलवेज क्या होगी बाहर जाएगी। तो जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है जैसे कि कोई भी चीज अगर कोई पत्थर रोकेगा तो क्या होगा पहाड़ी से हमेशा नीचे ही रोकेगा, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, पानी का फ्लो हमेशा लोअर टू हायर नहीं जाएगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा हमेशा हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होगा ठीक है, ये नेचुरली है, इसी को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी। लेकिन ये इरिवर्सिबल नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में होती, लेकिन जब हम इसको
एक्स्ट्रा अलग से कुछ फैक्टर लगा दे तो ये रिवर्स हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर कहाँ करेगा, वाटर का जो फ्लो होगा वो हायर टू लोअर होगा, हमेशा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम इस लोअर पोर्शन में कोई ऐसा फोर्स या मोटर या कुछ भी ऐसा लगा दे तो पानी को ऊपर भेजा जा सकता है, वो कब, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए, वरना ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनिटी में ये ऊपर कभी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो वन थिंग स्पॉन्टेनिटी जो मीन्स क्या होते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। तो यू शुड कीप ऑलवेज इन योर माइंड, हमेशा अपने पास ध्यान ये रखना कि जितने भी स्पॉन्टेनियस होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, यानी वो वापस नहीं आएंगे। यानी रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल, जो बैक पे हो जाए, वापस आए, ठीक है। और इरिवर्सिबल का मतलब, मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल, जो वापस ना हो, ओनली वन डायरेक्शन। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो वन डायरेक्शन होंगे, हमेशा एक डायरेक्शन में चलेंगे। लेकिन अगर हमने एक्सटर्नल एजेंसीज या फैक्टर लगा देंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, फ्लो ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो अनिकेत समझ में आ रहा है, अविरल, हेलो, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यहाँ पर रख दिया, किससे रख दिया, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। तो यहाँ पर हमने हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूट रख दिया जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है इस सॉल्यूशन में, और यहाँ पर हमने क्या किया, कम सॉल्यूट वाला सॉल्यूशन रख दिया। तो हमें पता है कि इसके सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पर आने लगे हैं, फ्लो करने लगे हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये अपने आप होने लगे, इसी को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये कभी ऐसा नहीं होता कि यहाँ से इधर आ जाए, तो हमेशा कहाँ जाएंगे, इधर। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर लगा दें, यहाँ पर कहीं से प्रेशर लगा दें, ठीक है, प्रेशर लगा दें, जब ये प्रेशर लगेगा तो ये चीज रुक जाएगी, और हायर प्रेशर लगा देंगे तो यहाँ से यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल जाने लगेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या हो जाता है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही है जो हम लोग वाटर पीते हैं, जो कहते हैं आरओ वाटर ले लो, आरओ वाटर का मतलब क्या होता है, जो रिवर्स ऑस्मोसिस से बने, यानी उसके अंदर के सारे सॉल्यूट पार्टिकल रिमूव हो जाए, दिस इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। यही प्रोसेस होता है जो वाटर को फिल्टर करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ये दो एग्जांपल हमने आपको बताया, फ्लो ऑफ वाटर ऑलवेज हायर टू लोअर, और सेकंड क्या था, फ्लो ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये नेचुरल, अगर नेचुरली देखेंगे तो ये स्पॉन्टेनियस होते हैं और वन डायरेक्शन होते हैं, यानी इरिवर्सिबल होते हैं, और अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर लगाएंगे तो ये क्या होंगे, इरिवर्सिबल हो सकते हैं, रिवर्सिबल हो सकते हैं, क्लियर। बट जितना मैंने इसको आपको पढ़ाया है, बॉन्ड साइकिल सब रिवाइज कर लो, और अगर कोई डाउट्स है, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, अभी मुझसे इसको पूछ लो, ठीक है, फटाफट इसको रिवाइज कर लो।
हो गया बेटा। हेलो अग्रल, अनिकेत, हो गया ठीक है। इसके बाद आता है एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी में क्या रिलेशन होता है, इसपे किसपे एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी नहीं काम ओके काम ये बात है। सबसे पहले हम बताएं कि एंट्रोपी क्या होती है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले चीज फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी इसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय एस, कैसे करते हैं एस, क्लियर। और एंट्रोपी की मीनिंग क्या होती है, इट इज अ मेजर of the degree of randomness ठीक है। जो भी किसी सिस्टम में जितना भी डिसऑर्डर्ड होगा यानी इसके मॉलिक्यूल्स जितने भी डिसऑर्डर्ड शो करेंगे या वो रैंडमली शो करेंगे उसी को हम बोलते हैं एंट्रोपी, ठीक है। तो किसी सिस्टम में, ठीक है, अगर डिसऑर्डर of molecules higher, ठीक है, disorder higher है तो इसका मतलब entropy उसकी high होगी, entropy high, right? और अगर disorder low है, low है तो entropy क्या होगी, low होगी। For example gas, gas के molecule कैसे move करते रहते हैं in every direction, the particle of gases move in every direction, yani you can say that in disorder ya randomness bahut zyada hai, to jab randomness gas particle mein zyada hogi to iska matlab entropy, gas ki entropy high hogi, aur iske compare mein solid state mein disorder low hote hain, molecules ya particle arrange rehte hain systematic order mein, तो इसलिए वहां डिसऑर्डर नहीं होते है, वेरी लो है तो वहां एंट्रोपी भी लो है। इसलिए क्या होता है कि सॉलिड में एंट्रोपी लो होती है, गैस में एंट्रोपी हाई होती है। जितनी ज्यादा आप उसको काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एंट्रोपी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। व्हाई? बिकॉज प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूव वेरी फास्ट, disorderness are increased, entropy also. Clear? Hello? Brush ko note kar lijiye. All of you note it. If you have any doubt, you can ask me. Koi doubt hai kisi ko? अनिकेत,
यस सर। हाँ बेटा एंट्रोपी समझ में आया? यस सर। तो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द एंट्रोपी। हेलो। यस सर। हाँ बेटा एंट्रोपी की डिफिनेशन बताओ। द डिग्री ऑफ द डिसऑर्डर इन द सिस्टम, मेजरिंग द डिग्री ऑफ द डिसऑर्डर इन द सिस्टम। अविरल अविरल। हाँ बेटा ये बताओ लिक्विड सॉलिड गैस इन विच सिस्टम एंट्रोपी इज हायर एंड व्हाई एंड व्हाई व्हाई। भाव्या 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 इनके एब्सेंट लग जाएगी। मृदुल गुप्ता। यस सर। बेटा ब्रॉन हैबर साइकिल क्या था? सर ब्रॉन हैबर साइकिल सर सर आए सर आयन सर उसमें सर सॉलिड से सर पूरा आयन बन जाता। मतलब सॉलिड आयन नहीं है। ब्रॉन हैबर इन्होंने क्या किया था कि कंप्लीट साइकिल के फॉर्म में ये बताया था कि किसी से सिस्टम में यानी रिएक्शंस में जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो कितनी सारी एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, कई सारी एनर्जी में चेंज होती है तो चेंज ऑफ एनर्जी को एक साइक्लिक फॉर्म में बनाया। ठीक है, अच्छा आप लोग अटेंडेंस दे दे बेटा। अनिकेत अनिकेत। यस सर प्रेजेंट सर। ओके अविरल अविरल उमर। भाव्या गुप्ता इनकी एब्सेंट लगेगी। प्रेजेंट सर। क्यों बोलते क्यों नहीं हो? आवाज नहीं आती क्या मेरी? भाव्या नहीं सर आती है। अच्छा तो फिर भाई व्हाई हैव यू नॉट गिविंग द आंसर माय क्वेश्चन। सर अभी मैंने क्लास थोड़ी देर पहले ज्वाइन की है, वो मेरी रिमूव हो गई थी बीच में। अच्छा मृदुल गुप्ता। प्रेजेंट सर। अच्छा फिलहाल है। प्रतिभा सिंह। प्रेजेंट सर। श्री कृष्ण। प्रेजेंट सर। वर्तिका। वर्तिका प्रेजेंट सर। ओके okay all of you now leave the class. So Abhiral theek hai okay bye all of you. Thank you sir.